नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तमन्ना। आज हम जिस स्कीम की बात करने वाले हैं उसका नाम है महिला उद्यम निधि योजना। जी हाँ, ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत वो तमाम महिलाएं जो लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी से हाथ धो बैठी हैं, या लॉकडाउन के दौरान उनका जो छोटा मोटा बिजनेस था वो ठप हो गया है, या फिर किसी भी कारणवश वो इस वक्त कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो उन महिलाओं के लिए आज का ये वीडियो बेहद ज़रूरी है जो इस टेंशन में थी कि अब क्या होगा, अब घर कैसे चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, जो खर्चे हैं वो कैसे चलेंगे। तो आज का ये वीडियो उन महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। तो महिला उद्यम निधि योजना जो अगर मैं इसको एक सरल शब्दों में कहूँ तो ये उनके लिए है जो छोटे या फिर मध्यम व्यापारी हैं और सर्विस मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, यानी कि इस योजना द्वारा सर्विस मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के लिए फ़ंड दिया जा सकता है। अब जहन में सवाल आता है कि कितना फ़ंड मिलेगा, और जाहिर तौर पर अगर लोन लेते हैं आप इस योजना के तहत तो वो चुकाना भी है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार लोन ले लिया फिर आप अपना बिजनेस चलाएं, किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चुकाना भी है। तो इस योजना की खासियत ये है कि आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का फंड मिलेगा। 10 लाख रुपए, मैं कहती हूँ कि छोटा मोटा अगर आप बिज़नेस शुरू करना हो तो 10 लाख रुपए का लोन काफ़ी है, आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद इसे चुकाने की टेंशन होती है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार में अगर आप रह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती है कि लोन ले लिया, आप चुकाएं कैसे। तो उसको चुकाने के लिए आपके पास 5 से लेकर 10 साल का लंबा समय है, यानी कि आप 10 साल तक अपना लोन चुका सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर किस्मत ने साथ दिया और सब कुछ फेवरेबल हुआ तो 10 साल काफ़ी लंबा समय होता है, तब तक आपका बिज़नेस अच्छा खासा चल चुका होता है, फल फूल रहा होता है, तो ऐसे में आपको लोन देने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो चलिए अब इस लोन की बारीकियां भी समझाते हैं आपको, और ये लोन लेने का प्रोसेस तमाम छोटी मोटे बिंदुओं पर बात करते हैं। किन उद्योग बिजनेस के लिए महिला उद्यम निधि योजना से मिलता है लोन? अब इतने सारे वीडियोस हमारे देख के आप ये तो जान ही चुके होंगे कि जितनी भी ये स्कीम्स होती हैं सरकार द्वारा चलाई गई, पर्टिकुलरली किसी एक बिज़नेस के लिए लोन दिया जाता है इन स्कीम्स के तहत। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर महिला उद्यम निधि योजना के तहत कौन कौन से ऐसे व्यवसाय हैं जिसके लिए आप लोन ले सकते हैं। ऑटो रिपेयरिंग, सर्विस सेंटर, ब्यूटी पार्लर, केबल टीवी नेटवर्क, कैंटीन और रेस्टोरेंट, कंप्यूटराइज डेस्कटॉप पब्लिशिंग, नर्सरी, साइबर कैफे, डे केयर, ISD STD बूथ, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, फोटोकॉपी यानी जेरोक्स सेंटर, ऑटो रिक्शा, टू व्हीलर, कारों की खरीद, टीवी रिपेयरिंग, सड़क परिवहन ऑपरेटर, सैलॉन, कृषि और कृषि उपकरणों की सेवा, सिलाई प्रशिक्षण संस्थान, टाइपिंग सेंटर, वॉशिंग मशीन समेत इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सभी वो बिजनेस हैं जिसके लिए आपको महिला उद्यम निधि स्कीम लोन देती है। महिला उद्यम निधि योजना का लाभ लेने की शर्तें। अब आगे बात करते हैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी, क्योंकि कोई भी स्कीम होती है उसकी कुछ ना कुछ शर्तें ज़रूर होती हैं। तो महिला उद्यम निधि योजना की शर्त ये है कि इसको लोन लेने के लिए, अगर आपको इसके तहत लोन लेना है तो आपका कोई ना कोई काम जो है, कोई ना कोई व्यवसाय जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर कोई उद्योग या बिजनेस पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो किसी उद्योग या बिजनेस का प्लान प्रोजेक्ट तैयार होना चाहिए। उसमें ये ज़रूरी तौर पर अंकित होना चाहिए कि बिजनेस कब और किस जगह पर शुरू किया जाएगा। अगर किसी महिला पुरुष पार्टनरशिप वाले बिजनेस के लिए महिला उद्यम निधि लोन के लिए आवेदन किया जाना है तो इस पार्टनरशिप वाले बिजनेस में महिला का मालिकाना हक 51% से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही बिजनेस सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी MSME सेक्टर का होना अनिवार्य है। जिस भी MSME बिजनेस के लिए महिला उद्यम निधि योजना के तहत बिजनेस लोन के लिए आवेदन किया जाना है उस उद्योग की वैल्यू न्यूनतम 5 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए, और महिला उद्यम निधि योजना के तहत प्राप्त होने वाले बिजनेस लोन का उपयोग MSME की विभिन्न गतिविधियों जैसे कि व्यापार विस्तार सुधार, वर्किंग कैपिटल सुधार और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इत्यादि का प्रोजेक्ट तैयार होना चाहिए। लेकिन जो महिलाएं पहले से ही भारत सरकार द्वारा चलाई गई किसी योजना का लाभ अपने बिजनेस के लिए ले रही हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें स्कीम का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस लोन की सबसे अच्छी बात यह है कि इस लोन को लेने जब आप जाएंगे तो आपको किसी तरह का कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी होगी।
हालांकि कई बैंक इस योजना के तहत किफायती दर पर महिला उद्यमियों को लोन देते हैं और लोन लेने के लिए महिलाओं को कोलैटरल देने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ जो आपके बिजनेस से संबंधित डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हीं के आधार पर आपको लोन मिल जाता है। महिला उद्यम निधि योजना के बारे में महत्वपूर्ण बातें, तो चलिए इस योजना की और भी तमाम बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। तो पहले तो हमने कह दिया कि इस लोन के तहत, स्कीम के तहत अगर आप लोन लेते हैं तो आपको किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा, आप 10 लाख तक का लोन दे सकते हैं और उसे चुकाने के लिए आपको 10 लाख का लंबा समय दिया जाता है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सिडबी की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए 25% जो है वो उस महिला उद्यमी को खर्च करना पड़ेगा अपने व्यवसाय पर। 25% यानी 2.5 लाख आपको ही खर्च करना होगा, बाकी के 75 यानी 7.5 लाख रुपए आपको बिजनेस लोन के तौर पर मिलेंगे। इसके अलावा महिला उद्यम निधि योजना के तहत मिलने वाले बिजनेस लोन को वापस करने के लिए अधिकतम 10 साल तक का समय मिलता है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि मूल समय 5 साल तक मिलता है, बाकी 5 साल लोन मॉरेटोरियम का समय मिलता है। लोन मॉरेटोरियम की सुविधा लेने पर महिला कारोबारी को लोन लेने से 5 साल बाद लोन की EMI हर महीने जमा करनी होगी। और अगर ब्याज दरों की बात करें तो इस लोन के तहत ब्याज दरों को सिडबी निर्धारित करता है। ब्याज दर सभी बैंकों की अलग अलग हो सकती है। जब महिला उद्यम निधि योजना के तहत बिजनेस लोन मिल जाता है तो संबंधित बैंक हर वर्ष टोटल लोन राशि का 1% सर्विस टैक्स चार्ज करता है। ऐसा नहीं है कि सभी बैंक सिर्फ 1% ही सर्विस टैक्स रूप में लेते हैं, बल्कि ये निर्णय बैंकों के ऊपर ही होता है। सर्विस टैक्स किसी बैंक का कम या किसी बैंक का अधिक हो सकता है। बिजनेस लोन लेने के लिए जरूरी कागजाती दस्तावेज। अब जाहिर सी बात है कि आप कोई भी सरकारी काम करते हैं या सरकारी स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इसमें भी आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे बैंक स्टेटमेंट, वो सब आपको बैंक में जमा कराना होगा। तो चलिए विस्तार से इन पर भी बात करते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके पिछले 9 महीने का बैंक स्टेटमेंट, फाइल की गई ITR की कॉपी, साथ ही घर या बिजनेस की जगह में से किसी एक के मालिकाना हक का प्रूफ, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, इनमें से किसी के भी नाम पर होने पर आप मान्य होंगे। अब सवाल उठता है कि लोन के लिए आवेदन कैसे किया जाए। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया था, फिर धीरे धीरे सभी बैंकों द्वारा महिला उद्यम निधि योजना के तहत लोन देना शुरू कर दिया गया। क्योंकि उस लोन के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, इसलिए आपको इसके आवेदन के लिए पंजाब नेशनल बैंक या जिस भी बैंक में आपका खाता हो वहां जाकर आपको आवेदन करना होगा। तो देखा आपने कि किस तरह से महिला उद्यम निधि योजना के तहत आप भी अपना एक छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकती हैं, और जो सपना था आपका अपना व्यवसाय शुरू करने का या फिर अपने सपनों को पंख देने का, वो पंख लगाकर आप भी उड़ सकती हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइएगा, और इसके अलावा आप हमें बताइए कि आप किस तरह के वीडियोज़ देखना पसंद करेंगी। आप कमेंट बॉक्स में अपने आइडियाज़, अपने सवाल, अपने डाउट्स आप लिख सकते हैं, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो चलिए अभी मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट कीजिए। नमस्कार। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।